गजब गजब, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बना है दोस्तों, नमकीन हलवा ये, तो आप भी घर में एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा आज के एक न्यू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आप कैसे हो? भगवान से मनाते हैं, आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, अभी आप घड़ी में देख रहे हैं, लगभग सुबह के 6:30 बजा है और सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हमारा मोनू बेटा क्या कर रहा है। तो मोनू देखते हैं, भाभी झाड़ू लगा रही है और मोनू आज सुबह सुबह अपने घर। तो दोस्तों, अभी अभी हम हटिया से आए हैं और अभी रात का लगभग 8 बज रहा है। तो दोस्तों, अभी आज दिन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण हम ब्लॉग नहीं पूरा कर पाए। तो अभी अभी हम दोस्तों आए हैं हटिया से और अभी देख रहे हैं, अभी चाय बना रही है रिंकी। अब चाय बना रही है अभी रिंकी, थोड़ा सा चाय पियेंगे और उसके बाद आज हमारे घर में एक नया रेसिपी बनने जा रहा है। तो दोस्तों जरूर देखिए, ब्लॉग के साथ बने रहिए। और तो दोस्तों, अभी सूजी को भाभी चाल रही है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे, हल्का सा। इसके बाद इसमें सूजी डाल देंगे। तो दोस्तों, इसमें सूजी डाल देना है। डाल दे रही है रिंकी, और पहले थोड़ा सा रिफाइन इसमें डाली है, उसके बाद सूजी डाल रहे हैं ना। ठीक, तो दोस्तों सूजी को अभी भूंजेगी थोड़ा देर तक। तो दोस्तों, सूजी भुंजा चुका है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्राउन कलर का आपको लग रहा होगा देखने में। तो सूजी भुंजा चुका है, अब इसको क्या करना है? इसको निकाल देंगे। अच्छा, निकाल कर मसाला बनाएंगे। दोस्तों सूजी भुंजा चुका है, आप देख सकते हैं, और अभी रिंकी जी इसको नीचे उतार रही हैं थाली में। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। अब क्या करना है? आलू धोई। तो ये सब थोड़ा सा धो लेना है दोस्तों, आलू जो कटिंग है और बंधा गोभी, पत्ता गोभी जो कटिंग है, तो इसको थोड़ा सा धो लेना है बढ़िया से। और धो करके आप देख सक रहे हैं मसाला भी पीस चुका है, और अभी मसाला में और कुछ बाकी है तो अभी हम बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये सारा चीज तो कंप्लीट होकर के यहाँ रखा गया है, धो लिए हैं सारा सब्जी को। उसके बाद इसमें थोड़ा सा रिफाइन अभी डाली, इसमें थोड़ा सा जीरा डालना है, डाल दिया जीरा। अब इसमें आलू डाल देते हैं और बंधा डाल देते हैं। हाँ, आलू और बंधा को सबसे पहले जिस तरह सब्जी बनाते हैं दोस्तों, जिस तरह सब्जी बनाते हैं उसी तरह पहले इसको पहले सब्जी बना लेना है थोड़ा बढ़िया। तो सबसे पहले आलू को डाल दिए हैं, और आलू को डालने के बाद दे रही है बंधा पत्ता गोभी जो है उसको डालना है। इसमें नमक डालना है क्या? नमक डाल करके और इसको ढक देना है, इसको ढकना है ना दोस्तों। थोड़ा देर तक इसको ढक करके रखना है, ढक करके रखेंगे भी रिंकी। और ढकने के बाद थोड़ा देर के बाद फिर इसमें मसाला डालना है। और भाभी दोस्तों तब तक मसाला पीस रही है। इसमें क्या क्या दिए हैं देखिए, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मिर्ची दिए हैं, और थोड़ा सा गोलकी दिए हैं, और थोड़ा सा जीरा दिए हैं। हाँ ठीक, भाभी मसाला पीस रही है दोस्तों। और तो दोस्तों, गोभी और आलू थोड़ा सा पक चुका है, आप देख सक रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा मसाला डालना है, जो मसाला पीस करके रखे थे, जीरा, काली मिर्ची और मिर्च, हल्दी पाउडर,
थोड़ा सा हल्दी डाली है और इसमें क्या डालना है? मिक्स मसाला थोड़ा सा डालेंगे। मिक्स मसाला थोड़ा सा डाल देना है। अब इसको थोड़ा देर तक भूनना है ना, थोड़ा देर तक इसको भूनना है। तो दोस्तों थोड़ा देर तक इसको भूनना है। ये वाला भून जाएगा। अब इसमें हम लोग सूजी को डाल देते हैं। डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। तो सूजी को उसमें डाल दी है रिंकी, और सब्जी में ही सूजी को डाल दिया है। अब उसमें जितना आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा करके डालें ताकि सिझ जाए सूजी। थोड़ा सा थाली में रिफाइन लगा रही है अभी भाभी। हाँ, इसमें लगाएंगे उसके बाद, ताकि इसमें रिफाइन इसलिए लगा रही है ताकि इसमें जो हलवा डालेगी वो नीचे में सटेगा नहीं, वो बिल्कुल पीस पीस निकल जाएगा हमारा। तो हलवा हो चुका है तैयार, और अब ये थाली में परोसा जा रहा है। नमक वाला भी अच्छा लगता है, जैसा कि मेरे को तो मीठा सूजी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं नमक डाल के बनाती हूँ। भाभी अभी इसको पीस रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं बादाम और तो चटनी पीस चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा देर लगा। और चटनी तो चटनी देखिए दोस्तों पिसा चुका है। भाभी इसमें पानी डाल रही है चटनी में। तो डब्बू गरम हो चुका है और इसमें डाल रही है सरसों का तेल। हाँ, लाल मिर्ची, सूखा हुआ मिर्ची लाल, और सरसों, और पतरज तेज पत्ता। हाँ, ये तीनों चीज डालना है। फिर मिर्ची, भाभी अभी डाल रही है चटनी में नमक, अपने स्वाद के हिसाब से डाल रही है। वाह, आहा, क्या सेंट है रे, आहा, गजब गजब दोस्तों गजब। तो अब चटनी तैयार हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप, ये ठंडा हो चुका है हलवा हमारा, कटिंग करते हैं। और आप रिंकी जी इसको कटिंग कर रही है। सोनू और मोनू को बहुत ज्यादा जोर से भूख लग चुका है, दीजिए। और चटनी मिला रही है अभी, थोड़ा सा जलजीरा और हल्का सा काला नमक। अब ये तो दोस्तों आज का रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। और अगर आप न्यू व्यक्ति हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रत्येक दिन इसी तरह का एक नया ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय।